Welcome back, students. मैं सर अग्रसेन महाविद्यालय. आज हम डिस्कस करने जाएंगे टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन. कल के क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट. एज यू ऑल नो कि कोरोना वायरस के चलते भी क्लासेस ऑफ हैं, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसके लिए हम ये ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहे हैं आपके लिए. तो इसी में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन, जो BBA सिक्स्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड MCOM सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स दोनों के लिए यूजफुल होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर. तो पहले हम डिस्कस करेंगे टैक्स अवॉइडेंस. तो टैक्स अवॉइडेंस में एक शब्द है अवॉइडेंस, मीन्स अवॉइड करना, टैक्स को अवॉइड करना. जैसे अवॉइड से आपको लग रहा होगा कि अवॉइड कर रहे हैं, टाल रहे हैं टैक्स को, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे अवॉइड का मतलब है लीगल रूप से अवॉइड करना. जो भी लीगल वे है उसके जरिए टैक्स को अवॉइड करना क्या कहलाता है, टैक्स अवॉइडेंस. तो देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, इट्स अ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इन लीगली परमिसेबल वे एंड हैज लीगल सैंक्शन. ओके, लीगली परमिसेबल वे, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. लीगल रूप से परमिशेबल वे से आप क्या करते हो, टैक्स लायबिलिटी को आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, उसी को हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस. इसमें आप जनरली अकम्प्लिश्ड बाय क्लेमिंग द परमिशेबल डिडक्शन, इसमें आप क्लेम क्या करते हो, परमिशेबल डिडक्शन. जो भी डिडक्शन गवर्नमेंट देती है उसके लिए आप क्या करते हो, क्लेम करते हो और अपने टैक्स को अवॉइड कर सकते हो. कुछ फीचर्स हैं इसके, इसे एक लेजिटिमेट अरेंजमेंट है जिससे आप अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हो. इट्स अ लेजिटिमेट अरेंजमेंट्स ऑफ अफेयर्स इन सच अ वे सो एज टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटीज. अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इज नॉट टैक्स इवेशन. टैक्स को अवॉइड करना टैक्स इवेशन नहीं है. टैक्स इवेशन जिसके बारे में हम बहुत ही जल्द अभी पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको बता दूँ टैक्स इवेशन क्या है. एक इलीगल वे है, गैर कानूनी तरीका है टैक्स को बचाने का, टैक्स चोरी या जो भी आप कह लीजिए, ये कहलाता है टैक्स इवेशन. उसका अपोजिट है टैक्स अवॉइडेंस, ये होता है लीगल तरीका जिसके थ्रू आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो टैक्स अवॉइडेंस टैक्स इवेशन नहीं होता. देयर इज नो एलिमेंट ऑफ मैलफाइड मोटिव इन टैक्स अवॉइडेंस, मीन्स कोई छुपाने वाली बात नहीं है. कोई भी तरीके से आपका मोटिव नहीं होता कि आप टैक्स को बचाने की कोशिश करें गलत तरीके से. टैक्स अवॉइडेंस में आप सभी चीज़ें लॉफुली करते हैं. एक एग्जांपल दे के समझेंगे जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. एक कंपनी है हरियाणा की, वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट इन द एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस. हरियाणा में एक कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है और अपने एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस में एक और यूनिट चालू करना चाहती है. ठीक है, बट इफ इट डज सो देन इट इज नॉट एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB. देखिए इनकम टैक्स में एक सेक्शन 80IB. 80IB जो है ये कहीं पे इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने पर किसी पर्टिकुलर एरिया में या स्थान में TIB के अंतर्गत आपको कुछ टैक्स में डिडक्शन 100% तक भी मिल जाता है, शुरू के 5 से 7 सालों तक का ये TIB कहता है. ओके, तो अगर आप TIB का डिडक्शन पाना चाहते हैं, तो अगर आप हरियाणा में अपना एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस में कंपनी जो नया यूनिट डालते हो, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. बट अगर आप इसी यूनिट को जाके अरुणाचल प्रदेश में सेटअप करते हो, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में करते हो, तो कंपनी को बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन IB का. मीन्स आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट अलाउ कर रही है डिडक्शन, बट हरियाणा में डिडक्शन अलाउ नहीं कर रही, बस इतना समझ लीजिए आप. तो यहाँ पे अगर हम यूनिट को, अपने न्यू यूनिट को हम अगर हरियाणा में इंस्टॉल ना करके अरुणाचल प्रदेश में करेंगे, तो हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं. अगर हरियाणा में इंस्टॉल करते हैं तो टैक्स पे करना होगा, उससे जो इनकम होगी नए यूनिट से उसमें. बट अगर अरुणाचल प्रदेश में इस यूनिट को हम इंस्टॉल करते हैं, तो अंडर सेक्शन 80IB के अकॉर्डिंग शुरू के कुछ सालों तक हमें टैक्स पे नहीं करना होगा. तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है टैक्स को अवॉइड करने का. हमने अरुणाचल प्रदेश में अपना बिजनेस सेट करके क्या किया, टैक्स को अवॉइड कर दिया
लीगली, क्योंकि गवर्नमेंट ही बोल रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रही है, लॉ बोल रहा है कि आपको छूट मिलेगा अगर आप आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में बिजनेस सेटअप करते हैं तो। ठीक है, तो ये है आपका टैक्स अवॉइडेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। बुक में गो थ्रू करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होते रहेगा ये चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ। ये नोट्स शॉर्ट नोट्स की तरह है और आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर देता है, बट इसके बाद अगर आप बुक से और रीड करते हैं डिटेल में तो आपके और यूजफुल होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। इसमें देखिए ये इलीगल वे है, साफ लिखा हुआ है, ऑल मेथड्स बाय विच टैक्स लायबिलिटी इज इलीगली अवॉइडेड इज टैक्स इवेशन। टैक्स लायबिलिटी को, आपका जो टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उसको आप इलीगल वे में अवॉइड कर रहे हो, अवॉइड यहाँ भी कर रहे हो बट इलीगल वे में, अवॉइड वहाँ भी हो रहा था बट लीगल वे में। ओके, तो इलीगल वे में आप अवॉइड करते हो तो दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेशन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डज इट इन्वॉल्व्स। इट इन्वॉल्व्स स्टेटिंग एन अनट्रू स्टेटमेंट ओनली, आप जानते हुए भी जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बता रहे हो। सबमिटिंग मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जो मिसलीड करता हो, जो गलत चीज़ें बताता हो, जो गुमराह कर रहा हो। ठीक है, सपरेशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हो आप। Not maintaining proper account of income earned, means जो भी income आपको हुई है उसका proper accounting आप नहीं कर रहे हो, आपने सही तरीके से उसका बही खाता नहीं रखा है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, tax evasion की category में आएगा। Omission of material fact, fact को आप material fact को क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो, हटा दे रहे हो जानबूझ के, तो ये भी आएगा आपके टैक्स इवेशन में। तो देखिए एक बार फिर से क्या क्या चीज़ आ रही है, कुछ अनट्रू स्टेटमेंट जानबूझ के दिखाना, बताना, स्टेट करना, और सबमिटिंग मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स, गुमराह करने वाले दस्तावेज डॉक्यूमेंट जमा करना, सेपरेशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट को दमन कर देना, छुपा देना, और प्रॉपरली अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना, और ओमिशन, हटा देना मटेरियल फैक्ट को, ये सब चीज़ें किसमें आएगा आपका टैक्स इवेशन में। ये सब इलीगल एक्टिविटीज है जिसके जरिए आप टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस के केस में सेम एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स इवेशन के केस में, जिससे आपको टैक्स इवेशन भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, और समझ में आपको आ गया होगा बट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंपनी वही कंपनी है, अपने खुद के प्रीमाइसेस पे चालू करना चाहती है, स्टार्ट न्यू यूनिट इन इट्स ओन प्रीमाइसेस, तो कंपनी स्टार्ट द न्यू यूनिट इन इट्स ओन प्रीमाइसेस बट टू क्लेम रिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, खुद के प्रीमाइसेस में चालू कर दिया, मतलब हरियाणा में, कहाँ पे, हरियाणा में, और डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 80IB का क्लेम भी करता है। इट टेक्स अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन रेंट इन अ विलेज इन अरुणाचल प्रदेश and only on paper it is shown that the new unit is situated in a village. देखो ये क्या कर रहा है, ये काम तो कर रहा है हरियाणा में ही, हरियाणा के अपने premises में ही नया यूनिट को डाला है, और पेपर में क्या दिखा रहा है, एक रेंट पे विलेज में, अरुणाचल प्रदेश के विलेज में एक रेंट में एक जगह को ले लिया है, और पेपर वर्क में दिखा रहा है कि हमारी फैक्ट्री अरुणाचल प्रदेश में चल रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश दिखाते हैं तो वहाँ पर हमको अंडर सेक्शन 80IB का क्या मिलेगा, डिडक्शन, छूट मिल जाएगी। तो इसीलिए वो गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, जबकि उसकी कंपनी, उसका इंडस्ट्री हरियाणा में चल रहा है, और वो दिखा रहा है कि आंध्र प्रदेश में चल रहा है, जहाँ पर उसने रेंट पे विलेज, रेंट पे एक विलेज में अरुणाचल प्रदेश के गांव में छोटा सा जगह को ले लिया है, वहाँ कोई फैक्ट्री चल नहीं रही है बट वो दिखा रहा है कि वहाँ पे चल रही है। तो ये क्या है, एक गलत दस्तावेज दिखाना, गलत तरीका है ये टैक्स को बचाने की कोशिश करने का, तो ये आएगा टैक्स इवेशन के अंतर्गत। ठीक, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस। तो पूरा भी समझने के बाद, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन समझने के बाद, ये आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाता है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप रीड करोगे,
ये आप देख लीजिए भाई अच्छे से, इसको एड कीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बिल्कुल जो मीनिंग आप पढ़े हैं, जो ऊपर डिस्कस किए हैं, वही आपके डिफरेंसेस में है। इसको आप रीड करोगे, आपको समझ में आएगा। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आज का होमवर्क आपका है। इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अगर आपको टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन का डिफरेंस समझ में नहीं आता तो मुझे आप टैक्स मैसेज करना, ठीक है। बट उसकी भी टाइमिंग है बेटा, आप लोग केवल मैसेज मॉर्निंग 9 से 2:30 के बीच में ही करना, ठीक है। उसके बाद ताकि मैं बाद में फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए उस पर प्रिपेयर हो सकूँ और उसके लिए वीडियो के लिए मैं रेडी हो सकूँ, ओके, नोट्स बना सकूँ। तो आई थिंक डाउट उसमें निकलेगा नहीं, बट फिर भी निकलता है तो मुझे आप लोग टैक्स मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।